दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देखिए जो कि फेसबुक के परफॉर्मेंस बोनस से पैसे कमाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मूवी क्लिप को डालना आपको सिखाया और दोस्तों मूवी क्लिप डालकर हम लाखों रुपए कमा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मूवी क्लिप के फोटोज अपलोड करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। मूवी क्लिप आप अपलोड करते हैं तो आपकी शिकायत रहती है कि हमें कॉपीराइट आता है, क्लेम आ जाता है, ब्लॉक हो जाती है। तो दोस्तों आपकी ये शिकायतें ना बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। तो मूवी क्लिप को ना डालकर आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं। फोटोज के पैसे आपको मिलेंगे और वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। जी हाँ दोस्तों, आप जितना मूवी क्लिप डालकर पैसे नहीं कमा सकते उतना मूवी क्लिप के फोटोज को अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मूवी क्लिप के फोटोज आपको कहां से लेना है, कैसे अपलोड करना है, सबसे मेन चीज आपको उसको कैसे एडिट करना है। और दोस्तों सबसे मेन चीज बात यह होती है कि आपको कौन से फोटोज लेना है ताकि जल्दी से वायरल हो जाए और आपके फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस का ऑप्शन आपको मिल जाए और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सको। डेली आपको कितने फोटोज अपलोड करने हैं, आपके अपने फेसबुक पेज की कैटेगरी आपको क्या रखना है, सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूं। पूरे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं, यहां पर आपको समझना है। और यहां पर सबसे पहले मैं जैसे ही ओपन करता हूं तुम्हारे सामने मूवी के फोटोज आ जाते हैं। मूवी के फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं और जो सीरियल होते हैं उसके फोटोज भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर एक भाई ने अपलोड किया हुआ है, जो कि यहां पर अपना इसका पेज देख सकते हैं और इसके पेज पर हम चले जाते हैं और यहां पर देख सकते हैं इन्होंने काफी फॉलोअर्स भी बना रखे हैं। और यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ चुटकुले यहां पर लिख रखे हैं। अब दोस्तों इस तरीके का आपको फोटो बनाना है, इसमें भी कुछ चीजें आपको ऐड करना है। इनके अलावा आपको कुछ चीजें ऐड करना है जो कि वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है तभी जाकर आप ये कर पाओगे, अन्यथा आप बोलोगे कि मुझे कॉपीराइट आ गया, मेरा पेज पर कुछ इश्यू आ गया, ऐसी कुछ चीजें आप फिर बाद में बोलोगे। आप पूरा वीडियो समझ लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये फोटो है ना बहुत ही अच्छे चलते हैं, देख सकते हैं ना आप, ये फोटोज आप ले सकते हैं। अब ये फोटो आपको कहां से लेना है सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यहां पर जो भी है फेसबुक से भी आप ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यहां पर क्या करना है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहां पर आपको एक दिखेगा ऑप्शन जो कि वीडियोज का। तो दोस्तों इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहां पर मूवी क्लिप आपके सामने आ जाएगी। तो मूवी क्लिप से आप क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो जो वीडियो है वो चलने लगेगा और यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इस तरीके से लेंगे और यहां से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। एडिट करना कैसे, यहां से आपको इसको एडिट करना है, जो कि यहां से मैं इसको कट कर लेता हूं। यहां पर इसको कट कर लिया, यहां से इसको सेव कर लेते हैं। इस तरीके से आपको दो तीन फोटो लेना है, तीन फोटो तो आपको कम से कम लेना है जो कि एक ही वीडियो से लेना है। तो मैं यहां से तीन फोटोज ले लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे एडिट आपको करना है। अपलोड करते समय आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब यहां से चले जाते हैं कौन सा ऐप, जो कि आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि पिक्सल लैब आप ले सकते हैं। इसको क्लिक करता हूं और यहां से भाई क्या करेंगे, अपना फोटो एडिट करना है जो कि आप 1:1 के रेशियो में आपको इसको एडिट करना है। तो यहां से क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां पर गैलरी के अंदर अपन जो फोटो सेव किया है उन फोटोज को अपन को उठाना है। तो यहां से मैं ये फोटो उठा लेता हूं और ये फोटो उठाने के बाद इसको यहां से बड़ा कर देता हूं। बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं छोटा, और यहां से भाई इसको थोड़ा और भी छोटा करके इसको इधर साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फोटो अपना लग चुका है। तो यहां से दूसरा फोटो लगाना है तो दूसरा फोटो लगाने के लिए फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे और ये दूसरे वाले फोटो को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां से आपको फेसबुक से फोटो उठाएंगे ना, उसकी साइज थोड़ी सी अलग होगी, तो आपको यूट्यूब चैनल से या यूट्यूब वीडियो से फोटो उठाना है। यहां से भी आप उठा सकते हैं पर बाकी आपको जो वहां से फोटो उठाएंगे ना उसकी साइज बहुत ही अच्छी आपको मिल जाएगी। तो यहां से ये जो लंबा हो रहा ना वो लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब साइज के अंदर ना लंबा आता है वीडियो और इसमें कट हुआ था। दोस्तों यहां पर तीनों फोटोज हम यहां पर ऐड कर चुके हैं, इस तरीके से आपको ऐड करना है। अब इस पर आपको टाइटल कैसे लिखना है, जो कि इस पर जमता हुआ टाइटल आपको लिखना है, लोगों को उसमें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी हो और अच्छा भी लगे और वो लाइक और कमेंट करने को मजबूर हो जाए, इस तरीके से आपको यहां पर लिखना है। मैं सिंपल यहां पर कुछ चीजें लिखकर दिखा देता हूं और आप अपने दिमाग से या गूगल पर आप जाकर यहां पर सर्च कर सकते हैं, कुछ चुटकुले वगैरह कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उनको यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर प्लस पर क्लिक करना है
और टैक्स पर क्लिक करेंगे, और टैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप टाइप कर पाएंगे, और यहाँ से मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप करके आपको दिखा दिया, यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये इसने बोला और इसके बाद इन लड़कियों ने इसको बोला, और यहाँ पर फिर से ये बोलता है और चले जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको टाइटल लिखना है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। गूगल पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं शायरी, दोहा वगैरह, कुछ भी चुटकले वगैरह, कुछ भी आप वहां पर सर्च करके यहाँ पर एड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये काम करने के बाद आपको यहाँ से अपना फोटो है ना सेव कर लेना है, एक्सपोर्ट आपको करना है। एक्सपोर्ट यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेव टू गैलरी। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर, जिस पर आपको अपना फोटो जो कि अपलोड करना है। अब आपको कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट लेना है ताकि जल्दी वायरल हो जाए। तो दोस्तों बहुत सारी मूवीज होती है जो कि हाल ही में रिलीज होती है और ट्रेंड पर चलती है और बहुत ज्यादा वायरल होती है, लोग उसके फोटोज वगैरह सब कुछ देखना पसंद करते हैं। तो उस तरीके का आप फोटोज ले सकते हैं, आपका बहुत ही जल्दी फोटो है ना वायरल होगा, बहुत ही जल्दी यहां से आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस बोनस अगर आपको मिला हुआ है और इस तरीके से आप काम करते हैं तो दोस्तों आपको 100% है ना बाय फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस से अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि अपलोड करते समय यहां से अपना कोई सा भी वो जो फोटो आपने बनाया है उसको यहां से चूज करना है। जैसा कि मैं यहां से चूज कर लेता हूं, फोटोज पर जाता हूं, फोटोज पर जाने के बाद उस फोटो को क्लिक करता हूं। यहां से क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर अपना मूवी का नेम नहीं लिखना है, आपको मूवी नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों मूवी नेम से आपको कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग मूवी क्लिप डालते हैं ना उस समय भी काफी ज्यादा गलती करते हैं, जो कि मूवी नेम वहां पर टाइप कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइप नहीं करना। यहां पर आपको मूवी हॉट मूवी जो भी बॉलीवुड मूवी इस तरीके से आपको यहां पर टाइप करना है। हैशटैग आप टाइप करोगे ट्रेंडिंग, इस तरीके का आपको हैशटैग टाइप करना है, जो कि मैं यहां से हैशटैग टाइप कर लेता हूं। तो यहां पर हैशटैग मैंने लगा दिया जो कि मूवीज, ट्रेंडिंग मूवीज, मूवी क्लिप्स। यहां से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप इस फोटो को यहां से नोट डाउन करेंगे और यहां से आपका पोस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने का यह तरीका है, आपको डेली कितने फोटोज अपलोड करने, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको जितने चाहे उतने फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं। कम से कम आपको 5 से 10 फोटोज डेली अपलोड करना है ताकि आपका बहना फोटो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए और फोटो से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सको, क्योंकि कोई ना कोई फोटो आपका जरूर से वायरल होगा और एक ही फोटो से आपकी सारी अर्निंग निकाल के दे देगा। तो अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम फेसबुक पेज बनाए तो उसकी कैटेगरी क्या रखे। तो दोस्तों वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्रिएटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मूवीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके की कैटेगरी से आपको कोई भी डिफेंड नहीं पड़ेगा, आप जो सा कंटेंट अपलोड करोगे वैसा ही आपका फेसबुक का जो कैटेगरी है ना वो ऑटोमेटिक भी फाइंड कर लेता है। दोस्तों इस तरीके से आप मूवी क्लिप के फोटोज अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मूवी क्लिप भी आप डाल सकते हैं, जो कि मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को जरूर से बात कर लेना। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसका भी रिप्लाई करेंगे, 100% आपको वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।